नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। ठीक है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। तो सबसे पहले 40 छात्रों का औसत कितना दिया गया है? बराबर 86। ठीक है, औसत है 86। अगर हम 40 छात्रों के अंक निकालें कैसे निकलेंगे? 86 गुणा 40। 40 का जब गुणा करेंगे तो 0, 4, 6, 24, 832, 2, 3440। यानी 40 छात्रों के जो अंक कितने हैं वह है 3440। दूसरी चीज़ उसने कहा है कि यदि सर्वाधिक 5 अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। यानी अभी 40 छात्र थे, जो टॉप 5 के छात्र हैं उनको निकाल दिया जाए तो यानी कितने छात्र बचेंगे? फिर बचेंगे 35 छात्र। तो फिर 35 छात्रों का औसत अंक कितना हो जाता है? 1 बोला है उसने, कम हो जाता है, यानी कि 85 बचता है। ठीक है, तो हम 35 छात्रों का कुल अंक निकालेंगे। पचासी गुणा 35 हम इसमें करेंगे। ठीक है, अलग से कर लेते हैं, 85 और 35 का गुणा, 5 25, 5 से करेंगे 5 8 40, 2 42, 3 से करेंगे 3 5 15, 3 8 24 1 25, 5 7 9 2, 2975 हो गया। ठीक है, 40 छात्रों का कुल अंक कितना था? 3440। 35 छात्रों का कुल अंक कितना हुआ? 2975। तो जो टॉप 5 छात्र हैं, यानी 5 सर्वाधिक अंक वाले छात्रों के कुल अंक, ठीक है, कुल अंक निकालेंगे। तो पहले 40 छात्रों के कितने थे? 3440 माइनस 35 छात्रों के कितने थे? 2975। ठीक है, इनको हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यानी कि 5 सर्वाधिक अंक वाले छात्रों के कुल अंक कितने हैं? 465 है। लेकिन उसने पूछा है शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। तो हम शीर्ष 5 छात्रों का औसत निकाल देंगे। ठीक, कुल अंक कितने हैं? 465, और छात्र कितने हैं? 5। 5 से काटेंगे 9 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 93। यानी टॉप जो 5 छात्र हैं उनके अंकों का औसत कितना है? उनका है 93, यानी 93 अंक उनका औसत है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।